अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राउन स्टार न्यूज़ एचडी, मैं हूं नूरुल हुदा। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। टंडोल अय्यार से खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर टंडोल अय्यार वली मोहम्मद बलोच ने कहा है कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के दौरान एहतराम रमज़ान पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और इस सिलसिले में रोज़मर्रा के खाने पीने की अशिया की कीमतों को मुकम्मल कंट्रोल में रखा जाएगा। मस्जिद के रास्तों पर सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। ये बात उन्होंने आज कॉन्फ्रेंस हॉल में एहतराम रमज़ान पर अमल दरामद के सिलसिले में मुनक़द किए गए एक इजलास की सदारत करते हुए कही। इजलास में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम, ज़िले इंतजामिया के असरान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन अब्दुल हफीज़ लगारी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर टंडोल अय्यार ने कहा है कि रोज़मर्रा की अशिया, गोश्त, सब्ज़ी, फ्रूट और दीगर अशिया की फरोख्त पर नज़र रखी जाएगी और ज़्यादा कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में एक शिकायत सेल भी कायम किया गया है, इसमें शिकायत का अजाला करने को यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद रियाज जट, क्राउन स्टार न्यूज़ एचडी, टंडोल अय्यार।